लग रहा है। खाने में भी टेस्टी है बेटे, खा के देखो। अरे लेकिन इसमें ये हवा कहाँ से आई? स्टीम कैसे भर गई इसके अंदर इतनी? इस पे वीडियो बनाऊं क्या? हेलो लर्नर्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। माय नेम इज श्रेया एंड आज इस थिंग्स टू मार्वल एट सेगमेंट में मैं आप सबके साथ नेचर का एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। हम सबके मम्मास रोज हमारे लिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटीज बनाती हैं। आज मेरी मॉम ने मेरे लिए ये बहुत ही टेस्टी सी पूड़ी बनाई। तो कभी सोचा है ये फूलती कैसे है, इनमें हवा आ कैसे जाती है? आज मैंने अपने आप से यही क्वेश्चन किया। सो आई डिड माई फेयर शेयर ऑफ रिसर्च एंड लेट मी टेल यू व्हाट आई फाउंड आउट। सो हमारी पफी रोटीज और पफी पूरीज के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है विच इज कॉल्ड मैटर। अब आप सब सोच रहे होंगे ये मैटर क्या होता है। सो मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इनहेरिट्स अ मास। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई वेट हो, कोई मास हो, या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उस चीज को हम साइंस में मैटर कहते हैं। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि मैटर बनता किससे है। मैटर बना होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं साइंस में। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सो इमेजिन करो कि आप एक शादी में हो। शादी में कितने सारे लोग आते हैं? तो कुछ लोग एक जगह पे एक ग्रुप बना के बैठते हैं, कुछ लोग दूसरी जगह पे एक और ग्रुप बना के बैठते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो खाने की लाइन से चाट काउंटर पे जाते ही रहते हैं अकेले अकेले। तो इन्हीं सारे लोगों से बनता है मॉलिक्यूल्स। ये सारे जो लोग होते हैं वो अपनी विश से अलग अलग जगहों पे फ्री फ्लो करते रहते हैं, और इन्हीं सारे लोगों के बीच में जो जो गैप्स आते हैं उनको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूल स्पेसेस। So now that we know matter बनता किससे है, let's also understand what are the types of matter. So there are five classifications of matter and the first one is called solids. So कोई भी ऐसा object जिसका mass, volume और shape आप बदल नहीं सकते, उसको हम science में solids कहते हैं। For example, मेरा mobile phone, इसके ना तो मैं शेप बदल सकती हूँ, ना इसका वॉल्यूम चेंज होएगा, इसीलिए इसको हम सॉलिड कहते हैं। अनदर थिंग टू रिमेंबर अबाउट सॉलिड्स इज कि इनके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। सो अब हम आते हैं हमारे सेकेंड फॉर्म ऑफ मैटर पे, जिसको हम साइंस में लिक्विड्स कहते हैं। लिक्विड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कोई डिफाइंड शेप नहीं होता, लेकिन एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली सॉलिड्स के मॉलिक्यूल से ज्यादा फ्री फ्लो कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका कोई शेप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस ग्लास में पहले से ही थोड़ा सा पानी डाल रखा है और इस पानी की कोई शेप नहीं है। तो जैसे ही मैं पानी का इतना वॉल्यूम इस दूसरे ग्लास में डालूंगी, वो इस ग्लास की शेप ले लेगा while the volume stays the same. So अब हम आते हैं हमारे थर्ड फॉर्म ऑफ मैटर पे, जिसको हम कहते हैं गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल से भी ज्यादा फ्री फ्लो होके घूमते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनकी कोई फिक्स शेप होती है, ना उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। गैस इसी वजह से हाईली कंप्रेसिबल मैटर माना जाता है। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन हिस्ट्री मैटर सिर्फ तीन ही तरह का जाना जाता था, जो कि थे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। फिर एक फोर्थ टाइप डिस्कवर हुआ, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा को समझने के लिए हमको पहले ये समझना होगा कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो नाउ कमिंग बैक टू प्लाज्मा, जब भी गैस को एक बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेड कर देते हैं, मतलब वो छोड़ देते हैं उनको, तो उससे प्लाज्मा बन जाता है।
तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारे अराउंड प्लाज्मा सबसे ज्यादा आप कहाँ देख सकते हैं, जहां गैस एक बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हो। दैट्स राइट फ्रेंड्स, स्टार्स एंड द सन आर ह्यूज बॉल्स ऑफ गैसेस एंड बिकॉज दे आर एट सच अ हाई टेम्परेचर वो प्लाज्मा बन जाते हैं। तो प्लाज्मा इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ मैटर जो हमारे अराउंड सबसे ज्यादा स्पॉट कर सकते हो आप। So now, coming to our last form of matter, which is known as the Bose-Einstein condensate. So, जैसे अभी हमने समझा कि प्लाज्मा के केस में गैस को एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, उस हाई टेम्परेचर की वजह से गैस अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती है। उसी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है बेक के केस में। बेक के केस में गैस को एक इतने लो टेम्परेचर पे ले आते हैं कि गैस के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं एक कंबाइंड एटम में एंड दे बिहेव एज इफ दे वर वन लार्ज एटम। सो नाउ दोस्तों, अब हमको ये भी पता है कि मैटर बनता किससे है और हमको ये भी पता है कि मैटर के टाइप्स क्या होते हैं। तो अब द लास्ट क्वेश्चन इज कि मैटर अपना फॉर्म कैसे चेंज करता है, दैट इज गैस टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड कैसे बन जाता है। एंड द आंसर टू दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। मैटर कैन सिंपली चेंज इट्स फॉर्म विद चेंजेस इन टेम्परेचर। दैट इज जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पानी को अगर फ्रीजर में डाल दूं, मतलब कि मैं पानी को एक बहुत ही लो टेम्परेचर एनवायरमेंट में डाल दूं, तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और जब मैं उसी बर्फ को नॉर्मल टेम्परेचर में ले आऊं तो वो बर्फ पानी बन जाता है। एंड दैट इज हाउ द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। नाउ कमिंग बैक टू आवर इनिशियल एग्जांपल अबाउट पफी पूरीज एंड रोटीज। इन पफी पूरीज और रोटीज को बनाने के लिए किचन में हम आटा और पानी मिक्स करते हैं। इनको मिक्स करके हम एक डो बनाते हैं जिनमें से हम रॉ रोटी और रॉ पूरी निकालते हैं। फिर जब हम उन रॉ रोटीज और पूरीज को स्टोव पे रखते हैं, उस स्टोव पे हम एक बहुत हाई हीट की गैस देते हैं। उस हाई हीट की गैस से हमारी रोटीज या पूरीज का जो पानी होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी रोटीज और पूरीज इतनी सॉफ्ट और पफी बन जाती है। सो नाउ दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट मैटर, अपने अराउंड जरूर देखने की कोशिश करना कि मैटर कौन से स्टेट में कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। Till then, feel free to flaunt your knowledge around. So if you like this video, hit the subscribe button, hit the thumbs up button and let us know your thoughts in the comment section below. Till then, keep learning and keep enjoying. Thanks for watching guys. Bye.